आज बहुत दिनों बाद आया हूँ भाई के पास चॉप खाने। आज की क्लास अच्छी हुई है। वो जब फर्क पड़े जब ही मासी जाए। लेट्स गो। जय श्री राम एवरीवन। तो करते हैं डे 18 स्टार्ट और आज करने में लेग्स वर्कआउट। तो सबसे पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते हैं। वर्कआउट है तो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग तो इम्पोर्टेंट है, वो करते हैं। उसके बाद फिर सेट स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है भाई। और थोड़ा सा वर्कआउट कर चुका हूँ मैं, बट मैं वीडियो बनाना भूल गया था तो अब दोबारा से थोड़ा सा कर लेते हैं। तो पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो फिर। ऐसा लग रहा है जिम अपना ही है इस टाइम पे। तो मेरे को ऐसी वाली फीलिंग आती है कि जिम अपना ही है। वैसे भी अपना ही है यार। वर्कआउट इज ऑलमोस्ट डन, स्ट्रेचिंग हो गई है। अब हमें करना है डायरेक्ट सेट्स करेंगे। दो तीन सेट्स ही दिखाऊंगा क्योंकि वरना वीडियोस बहुत बड़ी हो जाएगी। जिम से डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट की है ना, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट उठा था, काम किया थोड़ा घर का, नहाया धोया, डाइट ली और आ गया। पहले सेट्स करते हैं स्क्वाट। पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह। हर एक सेट तीन तीन करना दोस्तों। आपको पता है मैं एक करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। स्क्वाट्स के बाद आराम से करो। मैं इसलिए करता हूँ सबसे पहले ये वाला सेट क्योंकि ये ना पंप दे देता है मसल्स को। मेरे को जो फील होता है पंप देता है। उसके बाद स्क्वाट्स करूंगा भी रोड पे बस। चलो मसल सारी एक्टिव हो एक एक करके। एक मोशन आराम से। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। सफाई कर रहा लौंडा जिम की।
हमारा जिम एकदम साफ रहता है। आज बहुत दिनों बाद आया हूँ भाई के पास चाप खाने। बहुत दिन हुआ था मैंने कहा चाप खा ले, और मैं वेट कर रहा हूँ मेट्रो का। मेट्रो यार एक बहुत ही प्यारा सिनेमैटिक शॉट मिलेगा। हमारे घर के बाहर ही है भाई मेट्रो। खाने खा के मैं तो थोड़ी देर सो गया था, अब उठा हूँ क्लास है मेरी, क्लास कराता हूँ और फिर उसके बाद तुम लोगों से मिलता हूँ। अच्छा आज की क्लास अच्छी हुई है। अब चीज़ें डे बाय डे थोड़ी सी हार्ड हो रही है, तो मैं एक ही चीज़ पे होल्ड कर रखा हूँ उनको। आराम आराम से जैसे वीक बाय वीक चीज़ें ऐड करेंगे, ग्राउंड मूव कुछ करा दिए, कुछ फुटवर्क्स करा दिए जो चल रहे हैं, बाकी जैसे जैसे होता रहेगा वैसे वैसे आपको बता दे रहा। अच्छी क्लास हो रही है, मतलब ऑलमोस्ट मज़ा आ रहा है फुल पावर। अब चलते हैं नीचे, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, कुछ खाते हैं। और आज तो मैच नहीं आएगा, और लाइब्रेरी में आज गया नहीं हूँ, मैं सो गया था, तो लाइब्रेरी चलेंगे थोड़ा पढ़ेंगे और देखते हैं इस टाइम का माहौल कैसा होता है लाइब्रेरी में। तो चलते हैं। आज मैं सीख रहा था, लाइब्रेरी आया था तो आज मैं सीख रहा था कि वो थंबनेल्स वगैरह तो मैंने सीख लिए, वो बैनर्स नहीं बनते आपने देखो, वो बड़े बड़े बैनर्स बनते हैं वो बनाना, मतलब कि लाइक ए पोस्टर, शो के पोस्टर वोस्टर बनाते हैं, अपने ही पोस्टर बनाते हैं, वो सीख रहा हूँ उसका थोड़ा अच्छे से। किसी को पता है तो मेरे को बताओ यार, मेरे को मिला पर इतना अच्छा नहीं मिला, क्योंकि मुझे वो सीखना है या उसका कोई कोर्स है क्या है, अगर किसी को पता है तो मेरे को बताना, क्योंकि मुझे इस पर काम करना है आगे, मेरे को अपना जो ब्रांड है उसके लिए काम करना है। तो बार बार हम किसी से बनवाएंगे तो फिर उसका माइंडसेट अलग है, हमारा माइंडसेट अलग होगा, तो इसलिए अब उस पर काम करते हैं। बाकी ढूंढते हैं अच्छे से कहीं मिलता है तो, बाकी मेरा एक तो दोस्त है उनसे पता करूँगा, वरना अगर आप लोगों को पता तो बताओ यार। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, 18वां दिन है तो हमें करने हैं 280, फटाफट करते हैं। और थोड़ा सा पहले वार्मअप कर लेता हूँ 5-10 का, क्योंकि वार्मअप जरूरी है। अब क्योंकि जितने जितने ज़्यादा होते रहेंगे उतना ज़्यादा बॉडी को थोड़ा पहले स्ट्रेच कर लो, वरना फिर बाद में प्रॉब्लम होगी, कहीं 220-230 पे रुक गया तो दिक्कत है ना। तो लेट्स गो करते हैं डायरेक्ट 280, लेट्स गो। So, there is a दो सौ दस, दो सौ तीस,
250 270 एक दो चार पांच छह सात आठ नौ कंप्लीट 280 280 बीच में मैं बोलने वाला था 180 वो निकल गया मुझे 280 बट अब मुझे लग रहा है अब जरूरत पड़ेगी मुझे और ज्यादा हैवी तरीके से शेड्यूल को स्टार्ट करने की क्योंकि अब लग रहा है कि हाँ हम चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि यार देखो मैं ना पहले भी कर चुका हूँ 500-400 है ना तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था बट अब जैसे मैं 300 पे आया हूँ मतलब 280 कोई 300 लगभग तो अब फर्क पड़ना स्टार्ट हुआ है वो जब फर्क पड़े जब ही मस्सी जाए लेट्स गो अब नहाते हैं और भगवद गीता पढ़ते हैं क्योंकि हमें सारी पावर तो वहीं से ही मिल रही है बाकी चलो करते हैं आज हमने भगवद गीता में पढ़ा कि बहुत सब मनुष्य अपनी लाइफ में एक घंटा अवश्य निकाले या तो पूजा करने में या फिर ध्यान लगाने में या फिर कोई भी ऐसी एक मेडिटेशन करने में क्योंकि आपकी लाइफ बहुत बड़ी है अगर आपको उसको और अच्छी और स्वस्थ बड़ी बनाना है खुश रहना है तो आपको भगवान के पास अपने सारे दुख दर्द देने होंगे और उनसे एक प्यार का छोटा सा प्रसाद के तौर पे लेना होगा अगर आप मेडिटेशन करते तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ चल रही होती है वो सबसे हटके एकदम न्यू फ्रेश हो जाता है जैसे हम रात को बहुत सारी टेंशन लेके सोते हैं बहुत सारे लोग और सुबह उठते एकदम फ्रेश तो ऐसे ही मेडिटेशन या योगा करो अपनी बॉडी पे अगर आप एक घंटा मतलब 24 घंटे में से अगर आप एक घंटा अपनी बॉडी पे नहीं दे सकते तो ऐसे जीवन का क्या ही फ़ायदा तो अपने आप को टाइम दो भगवान के पास जाओ पूजा करो सुबह सुबह और मेडिटेशन करो अपने आप पे थोड़ा सा वक्त दो और जो आप अपने ड्रीम्स पूरा करने चाहते हो उससे रिलेटेड अपने काम्स करो आप बहुत सारी चीज़ के लिए टाइम निकाल लेते हैं फ़ोन चलाने के लिए भी आप लोग टाइम निकालते हैं या फिर आजकल बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे सब लोग कभी इंस्टाग्राम कभी फेसबुक हर एक चीज़ वो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है बट अगर आप 10-15 मिनट एक घंटा अगर अपने लिए निकालेंगे और पूजा पाठ करेंगे मेडिटेशन करेंगे तो आपकी लाइफ और ज़्यादा अच्छी होगी और ज़्यादा बड़ी होगी और अब ज़्यादा टाइम तक इस धरती में रह सकेंगे तो आज का यही था और कल का जो लहजा था वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और मैंने सबको ये बोला था कि कमेंट करके बताओ तो किसी ने कमेंट नहीं किया कोई नहीं पर मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा और आने वाले टाइम में पक्का ये जो व्लॉग्स है आप देखोगे और आप बोलोगे कि भाई हमने कमेंट नहीं किया कोई नहीं बट पक्का आप कमेंट करोगे क्योंकि मैं आपको अपनी तरफ खींचूँगा अपने काम से तो बस इतना ही बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब और वीडियो के बाय बाय सब लोग बहुत अच्छे हो बट कमेंट कर दिया करो यार है ना बाकी ध्यान रखो मैं गंदर जाता हूँ।